राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गैरसैंण चमोली के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में इतिहास परिषद के तत्वाधान में परिषदीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में विभाग प्रभारी डॉ. विनोद सिंह फरसवाण द्वारा मुख्य अतिथि प्राचार्य डॉ. डी.सी. पंत का स्वागत एवं आभार व्यक्त करते हुए बताया गया कि उनके निर्देशन में इतिहास परिषद द्वारा प्रश्नोत्तरी भाषण एवं निबंध प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन किया जा सका। प्रतियोगिताओं में प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार वितरण किए गए। ग्रुप जी ध्यान से सुनिए, आपके लिए सवाल है, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? इनके लिए एक ऑप्शन सब्जेक्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है ना? ज्योग्राफी वाले ग्रुप सी, ग्रुप सी बताएगा केबुल लमजाओ नेशनल पार्क किस राज्य में है? केबुल लमजाओ उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? जी को आएगा शिफ्ट हो गए, बताओ जी का ई साथ ही अर्थशास्त्र विभाग द्वारा डिजिटल करेंसी के भविष्य पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर डी.सी. पंत प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर विद्यालय गैरसैंण द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। डिजिटल करेंसी में भाषण प्रतियोगिता में मनीष चंद्र ने प्रथम, सानिया मिर्जा ने द्वितीय एवं ज्योति पवार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। पोस्टर प्रतियोगिताओं में बीए प्रथम वर्ष की रोशनी प्रथम, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में मनीष चंद्र अव्वल रहे। अर्थशास्त्र विभाग के विभाग प्रभारी डॉ. रामचंद्र सिंह ने डिजिटल करेंसी की उपयोगिता पर अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर डॉक्टर प्रकाश चंद्र, डॉक्टर इंद्र सिंह कोहली, डॉक्टर विनोद सिंह फरसवान, डॉक्टर हरेश राम, डॉक्टर विनय कुमार, डॉक्टर निशा, डॉक्टर गंगा, श्री अक्षय गुरु रानी एवं श्री मुकेश चंद्र आदि प्राध्यापकों ने डिजिटल करेंसी पर अपने विचार व्यक्त किए। Digital currency. At the end, I want to say that because the world is changing, world is going toward digital, so we also want that digital currencies make stronger but information on their websites. So if the system get hacked by any of the hacker, our personal information, our personal safety is in the danger. Now second is accessibility. Accessible to everyone is a good sign, but the people with a criminal mindset or a wrong intention, if they use it, so it will give a wrong message or create a problem for society. Now the third